विगत दिनों नेमावन में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके विरोध जताते हुए शाजापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आरोपी को फांसी देने की मांग करते हुए भीम आर्मी द्वारा नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भीम आर्मी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिवराज सरकार एक जंगल राज की तरह सरकार चल रही है, उसको नेमावर की घटना जो बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है, उस घटना को लेकर आज हमने ज्ञापन सौंपा है। और हम सरकार से एक और मांग करते हैं कि साजापुर में ऐसी घटना हुई है जिसमें दंपत्ति बुजुर्ग को हाथ पैर बांध कर खेत में पटक दिया था, और साजापुर पुलिस उस मामले को लिपा छापा करने में लगी हुई है, जबकि घटना लीगल है और उसको दबाया जा रहा है। जब वहाँ पे सारे साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं, जिस प्रकार से पेड़ को काटा गया उस वो भी अभी मौजूद है, फिर भी साजापुर प्रशासन सोया हुआ है। और हमारी यह मांग है कि नेमावर जैसी घटना ना बने, उससे पहले पूरी प्रशासन सक्रिय हो जाए और इस मुद्दे को मुख्य रूप में जो दोषी है उसको उसके ऊपर कार्रवाई करें और अब फरियादी को न्याय दिलाएं। मांग हमारी है, जो नेमावर में जो घटना घटी है, 5 सदस्यों को जिंदा दफना दिया गया, उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम। हमारी प्रमुख मांग ये है कि आरोपी को फांसी की सज़ा हो, दूसरी मांग ये है कि CBI जांच हो, और तीसरी मांग ये है कि उस पीड़ित परिवार को आवाज़ दिया जाए। साजापुर से संवाददाता दिलीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।